उल्हासनगर मध्ये टीओकेने महापुरुषांच्या पुतळ्यांची स्वच्छता करण्याचा संकल्प केला आहे। शहरात पुतळ्यांची दुरावस्था झाली आहे, याकडे महापालिकेचं दुर्लक्ष होत असल्यामुळे टीओकेचा आरोप आहे। शहरातील मुख्य ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या पुतळ्यांच्या स्वच्छतेकडे महापालिकेचं दुर्लक्ष होत असल्याचं दिसून येत आहे। येणाऱ्या दिवाळी सणात प्रत्येक व्यक्ती आपल्या घरांची स्वच्छता करतात। स्वच्छतेच्या अनुषंगाने शहरात अनेक पुतळे आहेत। शिवाजी चौक, नेहरू चौक, विनोद चौक, नेताजी चौक, चोपडा फोर्ट येथे या पुतळ्यांच्या स्वच्छतेकडे महापालिकेचं दुर्लक्ष होत आहे। या अनुषंगाने टीओकेचे पदाधिकारी पंकज त्रिलोकवाणी, सुंदर मुदलियार, प्रवक्ता कमलेश निकम यांनी शहरातील महापुरुषांच्या सर्व पुतळ्यांची स्वच्छता करण्याची मोहीम टीओकेकडून राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। विशेष म्हणजे शहरातील संपूर्ण सर्व पुतळे स्वखर्चाने स्वच्छ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पंकज त्रिलोकवाणी यांनी दिली आहे। सीएनआय महाराष्ट्र न्यूज साठी सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, ठाणे, उल्हासनगर। शहर में जो महात्मा पुरुषों की प्रतिमाएं हैं, जिसे जो है डीओके की मुहिम शुरू करने वाले हैं आप, इसमें जो है करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की जो है गफलत हुई है। ऐसे में सारा ना बजट में भी इसकी जो है खर्चा दिखाया जाता है, तो इसको लेकर प्रशासन से क्या मांग रहेगी? और अगर जो काम करेंगे ये डीओके अपने खर्चे से करेगी या फिर प्रशासन जो है इसमें कोई मदद करेगी या फिर प्रशासन के जो फंड है उसको लेकर जो है काम? देखिए, ये जो भी काम होगा वो बिल्कुल डीओके अपने खर्चे से कर रही है। उसके बाद जो आप बोल रहे हो प्रशासन की तरफ से फंड वगैरह आते हैं, मैंने पहले ही कहा ये त्यौहार होने के बाद मैं आप पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करूँ, आप भी इसमें हेल्प कीजिए और हम जो निवेदन पत्र देंगे और आप जो बोल रहे हैं घोटाले वो उसमें भी उजागर करने के, क्योंकि पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल होता है ये सब उजागर करने में, वो आप उजागर करेंगे और आगे हम बिल्कुल आयुक्त साहब से मिल के ये बातों पर ध्यान दिलाएंगे और आगे जैसे हमारे महापुरुषों की पुतलों की जो कंडीशन है वो अच्छे से रख रखा हो और हमारे शहर की शान बनी रहे। धन्यवाद।